हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो फोटो क्रॉप करने को लेकर के है, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने को लेकर है। तो आइए समझते हैं, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो और आप विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कंडीशन में आपको दिक्कत है कि आपको फोटो जो है फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना ही करना है, तो ये कैसे संभव होगा, आइए चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता हूं मैं और यहाँ स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो स्टार्ट बटन दिख रहा है ना, यहीं पर आपको करना है क्लिक और फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है पेंट। क्या सर्च करना है? पेंट। तो यहाँ पे सर्च कीजिए PAINT और इसमें एक आपको मिल जाता है पेंट 3D। पेंट 3D क्या होता है? पेंट 3D ही फोटो के बैकग्राउंड को कट करने के लिए यूज होता है। तो ये पेंट 3D पर कर दीजिए आप क्लिक। अब देखिए ये पेंट 3D ओपन हो चुका है। अब यहां पर आ रहा है नया और यहां पर आ रहा है खोलें। तो यहां पर नया हम लेंगे, नया पर कर दीजिए क्लिक और ये नया प्रोजेक्ट भी ओपन होगा। अब यहां पर हमें अपनी फोटो या जो कुछ भी लेना है, यहां मेन्यू पे आपको जाना है, क्लिक करना है और फिर यहां से पहले फाइलें ब्राउज करें, यहां पर चले जाइए, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे गूगल, ये इस तरह से ये एक हमारे पास फोटो पड़ी हुई है, इसी को ले लेते हैं और यहां पर आते हैं। अब देखिए इसको हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, पीछे कैसा हमको ये फोटो बाहर निकालनी है और हमें फोटोशॉप तो आता नहीं है, तो कैसे ये निकलेगा इसकी बात करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मैजिक चयन, इस तरह से करके लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये क्रॉप मोड में आ जाएगा। यहां से इसको ड्रैग करके आप क्रॉप कर सकते हैं, जितना हो सके आप क्रॉप कर लीजिए। ठीक है, जितना करीब जा सके, इस फोटो को हमें बाहर निकालना है तो जितना हो सके इसको क्रॉप कर दीजिए ऊपर से भी इस तरीके से। ठीक है, ये आपने क्रॉप कर दिया और क्रॉप करने के बाद यहां पर अगला नेक्स्ट आ रहा है तो यहां पर क्लिक कर दें आप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोटो देख सकते हैं चारों ओर से ये इस तरह से बन गया है। और अब हमें क्या करना है, अगर आपकी फोटो पूरी तरह से कट हो चुकी है तो आप यहां से इसको पूर्ण लिखा हुआ है या फाइनल हो चुका है हमारा काम, तो इस पे पूर्ण पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही पूर्ण पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फोटो जो है ये देखिए इस तरह से ये बाहर आ जाएगी और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको आपको कहीं यूज करना है तो आप कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आइए और यहां पर आकर के और जैसे एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं मैं, तो ये एमएस वर्ड ओपन किया हमने और यहां पर आप पेस्ट कर देना है उसी फोटो को। तो यहां जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो ये देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फोटो यहां पर पेस्ट हो चुकी है और ये हमारा जो फोटो है वो पूरी तरह से सही से कट के आ चुका है। तो देख सकते हैं ये किस तरह से हमने फोटो कट किया, इस तरह से करके आप भी कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी के साथ आप भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।